जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते, आपका भाई, आपका बेटा, आपका मित्र और आपका हितैषी, आपका शुभचिंतक। आइए लाइव सेशन में आते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो के समर्थन के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। कम से कम आप लोगों ने एक बात माना तो सही कि आज देश का प्रोपेगेंडा जो है वो कहां जा रहा है। ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है दोस्तों, ये बहुत अहम है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज चुनाव है, कल पंजाब में मोदी जी थे, उनकी जान को खतरा था, लोग टूट पड़ रहे थे। स्मृति ईरानी जी 12वीं पास, जो ये बताना भूल गई थी कि मैं 12वीं पास हूं, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर पूरे भारत को भाषण दे रही है। स्मृति जी, सास भी कभी बहू थी, हमें मालूम है, है ना स्मृति रानी जी, हमें मालूम है। देश को गुमराह मत कीजिए। पंजाब के युवा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने ओपनली साहब का पर्दाफाश कर दिया। ओपनली उन्होंने बता दिया कि भाजपा वाले केवल फुटेज, कैमरा और गलत बयानबाजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक बात और बोलूंगा मोदी जी आपके लिए, एक्चुअली पंजाब के जो लोग हैं ना, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के बचाव के लिए ना अनगिनत कुर्बानी दी। तो कम से कम इनके लिए प्लीज प्लीज भाजपा वालों, प्लीज कम से कम पंजाब में ये गलत काम तो मत कीजिए। प्लीज ये गलतियां बंद कर दीजिए। सरदार गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, अरे इनके परिवार के लोगों ने कुर्बानी दी है और आप जुमले दे रहे हैं, आप पंजाब के लोगों के ऊपर बता रहे हैं, आपके जान को खतरा था। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पंजाब के लिए गर्व का मसला था, आप आते तो सही, आपने पंजाब के मुख्यमंत्री को गोल 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 घुमा दिया। लेकिन नहीं, आपको कैमरा चाहिए, यूं मोदी जी, यूं ये चाहिए था आपको, है ना। हर जगह फुटेज, हर जगह कैमरा, हर जगह गलत बयानबाजी। पंजाब के लोग दिल से जीते हैं, दिल से जीते हैं, बोलते हैं साडा हक एथे रख, और वो बोलते हैं वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, और वाहे गुरु की धरती में गलत काम नहीं होते। मोदी जी गलत काम, ये मोदी जी गुजरात नहीं है जहां मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलो ड्रग्स आ जाए, ये पंजाब है, लैंड ऑफ फाइव रिवर पंजाब। और जिस हिंदुत्व का बीजेपी वाले इतना डंका बजाते, मैं स्वयं एक हिंदू ब्राह्मण हूं और गर्व से कहता हूं कि क्या हम हिंदुओं का अस्तित्व आज जीवित होता अगर ये पंजाब के सरदार नहीं होते। हमारी आन बान शान सरदारों, सैल्यूट है तुम्हारे जज्बा को, उखाड़ फेंकेंगे हम इस लूटस के सरकार को, उखाड़ के फेंकेंगे। और एक बात मैं बोलूंगा, जो लोग स्मृति ईरानी जैसे लोग, कंगना रनौत जैसे लोग, सांबित पात्रा जैसे लोग जो आज पंजाब के लिए गलत टिप्पणी कर रहे हैं, पंजाब आइएगा, लस्सी पिलाएंगे, गन्ने की खीर खिलाएंगे, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग खिला के आपको पंजाब से सम्मान के साथ विदा करेंगे। ये पंजाब है, ये गुजरात नहीं है मोदी जी, ये गुजरात नहीं है। जुमले नहीं चलेंगे। पंजाब के विरुद्ध बयानबाजी बंद कीजिए, किसानों के विरुद्ध बयानबाजी बंद कीजिए। ये देश आपको माफ नहीं करेगा, ये देश आपके झूठ का पर्दाफाश करेगा। क्या इससे पहले हमें कोई वैक्सीन नहीं लगा? क्या हमने पोलियो का वैक्सीन नहीं लगाया? क्या किसी प्रधानमंत्री की फोटो वैक्सीन के सर्टिफिकेट में थी? नहीं। लेकिन कोरोना के वैक्सीन में मोदी जी आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए योगी जी और दिल्ली के 10 लाख पोस्टर छाप दिए,
ये बताने के लिए दिल्ली में कि हमने उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाया। अरे योगी जी, अगर आपने उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाया तो उत्तर प्रदेश के जनता दिल्ली में आके शौच करेंगे क्या? वहां पे फ्रेश होंगे क्या? अरे लानत है, धिक्कार है यार। कोई ग्रेविटी लेवल है भी या नहीं, कोई क्रेडिट लेवल है भी या नहीं। आपके अस्पतालों की पोल हम खोल रहे हैं, आपके हर पोल को हम लोग खोल रहे हैं। और याद रखेगा भारत, और स्मृति में रहेगा भारतवंशी के हर वो व्यक्ति, ये चिन्ह स्मृति रहेगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द डीप कोरस पार्ट ऑफ द हार्ट। इंडिया विल नॉट फॉरगिव यू, भारत आपको माफ नहीं करेगा, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। आज हमने दादरी में अस्पताल को एक्सपोज किया, आप हमारे वीडियो देखिए। मास्टर तेजपाल नागर, बीजेपी के एमएलए भाई साहब, आइए दादरी के अस्पताल में, दूध का दूध पानी का पानी होगा। संजय भैया है वहां पे, और संजय भैया के सामने हिम्मत है तो आइए, जगह चुनिए, वक्त बताइए। अगर संजय भैया के सामने आप एक मिनट टिक पाए ना, वो दादरी जहां सम्राट मिहिरभोज, गुजर सम्राट मिहिरभोज इतने सालों से, अब आप बोलते हैं वो गुजर नहीं है, कमाल है। पहले आप धर्म में लड़ाई कराते थे, अब आप जातियों में लड़ाई कर रहे हैं। संजय भैया का संघर्ष हम लोग देख रहे हैं, भारतवासियों का संघर्ष हम लोग देख रहे हैं, पंजाब के किसानों का आहुति हम देख रहे हैं। ये देश गुरु गोविंद सिंह के धरती का है, ये देश गुरु अर्जुन देव सिंह की कुर्बानी का देश है। आप पंजाब आते हैं, रूट बदल लेते हैं और बोलते हैं कि खूनी सरकार है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये देश ना जान चुका है कौन खूनी है, कौन हिंदू और मुसलमान को लड़ाता है, कौन भारत में फूट डालता है, ये सब जान चुके हैं। भाजपा के पास कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ, जुमले और पब्लिसिटी के। अगर आपकी हिम्मत है, जगह चुनिए, मंच बुलाइए, हम आएंगे, हम हर जगह आएंगे। हम उत्तराखंड से आएंगे, हम पंजाब से आएंगे, बदलेगा उत्तर प्रदेश, बदलेगा दादरी। और इस बार सम्राट मिहिरभोज, गुजर सम्राट मिहिरभोज, नमन है उनको। हम दादरी को मुक्त करेंगे कमल के पंजे से। दादरी का अस्पताल का वीडियो देख लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी 1100 रुपए में स्वेटर, शर्ट, पैंट, जैकेट, जूते 1100 रुपए में। अरे दुकान का एड्रेस बता दीजिए, हम वहीं से खरीद लेंगे। क्या मजाक करते हैं गरीबों के लिए, क्या मजाक करते हैं। मोदी जी डिजिटल रैली कीजिएगा, डिजिटल रैली। अरे आपके पास तो आईटी सेल के भतेरे लोग हैं, आखिर आप लोग अपना पैसा खर्च कहां करते हैं, यहीं तो करते हैं। आपके काम पोस्टरों में दिखते हैं, सरकारी अस्पताल बदहाल उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर वन क्राइम में, नंबर वन विकास के नाम पे सबसे पीछे, नंबर वन अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, नंबर वन औरतों के प्रति गंभीर मुकदमा में, नंबर वन। अरे योगी जी टैक्स के मामले में, यूपी में बिजली बिल के मामले में नंबर वन। आपकी कितनी काबिलियत गिना दे हम। अरे जगह तो बताइए, मैं रेबल सदानंद पति हर मंच पे आने के लिए तैयार हूं, आप जगह चुन लीजिए। आप लोगों की पोल खोल के रहूंगा, आप हम पे मुकदमे लिखवाएंगे, है ना, फर्जी मुकदमे, और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। हर चीज का विटनेस है हमारे पास, हर चीज का एविडेंस है हमारे पास। आप वैक्सीन के नाम पे, कोरोना के नाम पे, अरे मोदी जी एक बात बता दीजिए, जब आप सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन लगा सकते हैं तो प्राइवेट अस्पतालों में भी लगा देते। 780 रुपए में वैक्सीन क्यों बेच रहे हैं? एक महिला 4 दिन से दौड़ रही है दादरी में। आज हम लोग संजय भैया के साथ गए थे, वीडियो लाइव कर दिया हमने, पता है उन्होंने क्या बोला, 100 रुपए मांग रहे हैं, 3 दिन हो गए, हर डॉक्टर का क्लिनिक है लेकिन सरकारी अस्पताल में नहीं आते। ये मेरा कहना नहीं है, इंटरव्यू देख लीजिएगा। योगी जी उत्तर प्रदेश नंबर वन, अरे कमाल करते हैं भाई साहब, कमाल करते हैं। जहां पे मुख्यमंत्री के नाम पे मुकदमे,
जिस देश में गृह मंत्री तड़ीपार रहा हो, जिस देश में शिक्षा मंत्री, समझ रहे ना, स्मृति ईरानी आज बोल रही है पंजाब में तो जीवित बच गए, प्रधानमंत्री के जीवन को खतरा था, इतनी बड़ी चूक। अरे स्मृति ईरानी जी, आप भूल गई थी, आप 12वीं पास है, आपने तो लिख के दे दिया था, आप ग्रेजुएट है। अरे ये सुशील शर्मा लिखते हैं कांग्रेस कुत्ता है, कांग्रेस का कुत्ता है। अरे सुशील शर्मा जी, आप किसके शेर हैं? 56 इंच वाले के। अरे चाइना के बारे में एक बात नहीं बोली जाती है मोदी जी को, मुंह में दही जम गया क्या? अरे भाजपाइयों, सीधी बात बोलूंगा, चाइना के ऊपर मोदी जी बोलते क्यों नहीं है? मुंह में दही जम गया है क्या? चाइना देश में घुस रहे है, अब तुम बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, देश जान चुका है दोस्तों, बचे रहिएगा। 2022 के चुनाव में करारा जवाब मिलेगा, करारा। और दादरी को बदल के दिखाएंगे, समूचे भारत को बदल के दिखाएंगे। पंजाब के लिए सल्यूट है, गुरु नानक देव की धरती को मेरा नमन, हिंदुओं के रक्षाओं के लिए सरदारों को मेरा नमन, वीर सरदारों का मेरा नमन। और जुमलेबाज, बाय बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत।